नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 18 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 7000 के करीब। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 130 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 6940 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 8, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 5, बक्सर में 4, दरभंगा में 1, गया में 14, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 8, कटिहार में 2, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 6, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 4, नवादा में 1, पश्चिम चंपारण में 1, पटना में 8, पूर्वी चंपारण में 1, रोहतास में 5, समस्तीपुर में 6, सारण में 2, शिवहर में 1, सिवान में 11, वैशाली में 1 मामला पाया गया है। कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 4776। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बीते शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार बिहार में अब तक 4776 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बीते दिन तक 134,402 सैंपल की जाँच किए जाने के बाद 6,889 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार में अब तक कोविड 19 की वजह से 39 लोगों की जान जा चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी छात्र को बिना परीक्षा के नहीं किया जाएगा प्रमोट। पटना विश्वविद्यालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर से किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब सभी छात्रों को प्रमोट करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जुलाई से सभी सत्र के परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। हालांकि आयोजित बैठक में ऑफलाइन परीक्षा करवाने पर भी जोर दिया गया है। वीसी ने कहा है कि बीए पार्ट 3 के एक पेपर की परीक्षा जुलाई में होगी, क्योंकि पीजी में नामांकन प्रभावित हो रहा है। बाकी पार्ट 2 की परीक्षा बाद में ली जाएगी। वहीं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की तरजीह नहीं देते हुए कहा है कि इसकी सुविधा सभी छात्रों को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए लंबे समय तक इस पर निर्भर करना संभव नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद पटना लौटे सुशांत सिंह राजपूत के पिता। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के बाद अब उनका पूरा परिवार पटना लौट चुका है। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता बेटे की अस्थियों को भी साथ में लेकर आ गए हैं, जिसका विसर्जन गंगा में किया जाएगा। परिवार के लोगों का मानना है कि गंगा के किसी नदी में सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार से संबंधित आखिरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें, रविवार को सुशांत सिंह राजपूत द्वारा इस कदम को उठाए जाने के बाद सोमवार को उनका पूरा परिवार मुंबई पहुंचा था, जिसके बाद अब जाकर सभी लोग पटना आ गए हैं। चुनाव से पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में 200 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में नौकरियों की लड़ियां लगने लगी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नियोजित शिक्षकों के अलावा अब इंजीनियरिंग कॉलेज में 200 शिक्षकों की बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्राचार्य के नियुक्ति किए जाने का फैसला सुनाया गया है, जिसकी जानकारी बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए साझा की है। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कोविड 19 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत लंबे समय से सही नहीं चल रही थी, जिसके बाद बीते दिन आशंका के आधार पर कोविड 19 की जांच करवाई गई। जांच के बाद कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही लगातार उनका उपचार करवाया जा रहा है। वहीं पार्टी के कई करीबी नेताओं की जांच का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के कॉन्टैक्ट में आए सभी लोगों को फिलहाल आइसोलेशन में रहने की दी गई है। इस बार शिव भक्तों की भक्ति नहीं दिखेगी बाबा धाम में। हर साल जहां शिव भक्त अपनी भक्ति का नमूना पेश करके बाबा धाम पैदल चलकर जाते थे, वहीं इस बार कोविड 19 के इस माहौल में सभी शिव भक्त ऐसा नहीं कर पाएंगे। खबरों की माने तो कोविड 19 की वजह से इस बार बाबा धाम में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, जिसको लेकर झारखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने इस बात की जानकारी देते हुए साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही धार्मिक सभा, समागम आदि पर रोक लगा रखी थी, ऐसे में श्रावणी मेला और रथ मेला का आयोजन नहीं हो सकता। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टूरिज्म पर लगा ब्रेक। कोविड 19 के इस माहौल में अनलॉक 1 का प्रावधान भले ही लागू कर दिया गया हो, मगर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी भी लोगों को आवागमन की इजाजत नहीं दी गई है। खबरों की माने तो 30 सितंबर तक वाल्मीकि रिजर्व को घूमने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इको टूरिज्म सेंटर में अब कोविड 19 के इस माहौल के बाद मानसून के कारण सफारी भी बंद रहेगी, जिसकी वजह से फिलहाल पर्यटकों के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है।
अब सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी पोषाहार राशि। समाज कल्याण विभाग ने सभी आम नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए आंगन लाभार्थी पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के सभी लाभार्थी जिन्हें भी पोषाहार की राशि मिलती थी अब सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसकी शुरुआत बीते दिन से की जा चुकी है। खबरों की माने तो 8,32,761 लाभुकों को 16,01,18,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जिसकी पुष्टि समाज कल्याण विभाग के मंत्री रामसेवक सिंह ने की है। एक फोन कॉल ने सारण जिले के एक परिवार में भर दी जान। भारत चीन के बीच जारी जद्दोजहद ने बीते दिन कई सारे जवानों के जाने की खबर सामने आई थी। इसी क्रम में सारण जिले के एक गांव में रहने वाले सुनील राय के गुजर जाने की खबर भी उनके परिवार वालों को बताई गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार की हालत खराब थी। मगर बीते दिन सुबह एक फोन कॉल ने मानो पूरे परिवार में जान ही फूंक दी। दरअसल बुधवार की सुबह सुनील ने अपने परिवार वालों को खुद से फोन करके उनसे बातचीत की और बताया कि वह ठीक है और सुरक्षित है। इस खबर को सुनते ही उनकी पत्नी समेत पूरे परिवार का चेहरा खिल उठा। दरअसल यह पूरा मामला कंफ्यूजन का है, जहां पर सुनील नाम से ये पूरी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। मुजफ्फरपुर में 8 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे भारत में माहौल देखने लायक था, जिसके बाद अब मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह के इस कदम को ध्यान में रखते हुए 8 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। खबरों की माने तो अधिवक्ता सुधीर ओझा ने एक परिवाद दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसके परिणाम स्वरूप करण जौहर, अनुराग कश्यप, साजिद नाडियावाला, बालाजी धर्मा प्रोडक्शन समेत सभी 8 के नाम पर बिहार में एक अलग से ही मामला दर्ज करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, कई लोगों का कहना है कि इन प्रोडक्शन हाउस की वजह से ही सुशांत ने यह कदम उठाया है। गलत डिग्री के आधार पर वर्षों तक एक शिक्षिका लेती रही वेतन। सारण जिले की रहने वाली एक शिक्षिका गलत डिग्री के आधार पर कई सालों तक वेतन लेती रही है। खबरों की माने तो सारण जिले की रहने वाली शिक्षिका को हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस्तीफा तो दिलवा दिया गया था, मगर उसके बावजूद किसी तरह से वह वेतन लेने में कामयाब हो गई। स्कूल के अधिकारियों के साथ मिलकर 3 साल तक उन्होंने वेतन लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही मशरक प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने आवेदन दिया था, जिसमें प्रखंड शिक्षिका द्वारा गलत घोषित होने के बाद भी एक पत्र देने के बाद ही पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाचार्य से मिलीभगत कर सालों साल तक किए गए गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। आज पटना में भारी बारिश होने की जताई गई संभावना। समय से पहले बिहार पहुंच चुके मानसून का असर आज देखने को मिलेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज पटना में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 18 जून से पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में मानसून अपनी पूरी रफ्तार से नजर आने वाला है, जिसके बाद नगर निगम की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जल जमाव को रोकने की पूरी जिम्मेदारी अब विभाग पर आ गई है। वहीं आज होने वाली बारिश की वजह से बढ़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। एक रिसर्च के बाद पेड़ से टूटने के कई दिनों बाद भी लीची के खराब नहीं होने का किया गया दावा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेड़ से लीची टूटने के बाद 1-2 दिन में ही लीची खराब होना शुरू हो जाती है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब टूटने से कम 12 दिन तक लीचियां खराब नहीं होंगी। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा पिछले 2 सालों से इस मसले पर शोध किया जा रहा है, जिसके बाद सभी वैज्ञानिकों को सफलता हाथ लगी है। जारी किए गए शोध में लीची तोड़ने से पहले एक खास तरह के मिश्रण के छिड़काव के बाद लीची तोड़ने पर अगले 12 दिनों तक लीची फ्रेश और अपने स्वाद में ही रहती है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 टीम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने दी है। बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीख की गई जारी। बिहार डीएलएड परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जून से शुरू करवाई जाएगी। खबरों की माने तो बिहार में डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार अब सभी अभ्यर्थी इन पदों के लिए 23 जून 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सभी उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट www.biharboardvivid.com पर विजिट कर 23 जून से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए वेबसाइट पर 22 जून को ही एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी 30 जून 2020 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। भारत चीन के बीच हुए विवाद में 5 बिहार के जवान की गई जान। गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ हुए रस्साकसी के बाद कुल मिलाकर 20 जवान की जान चली गई थी, जिसमें बिहार के 5 जवान का नाम भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना जिले के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार, समस्तीपुर के सुल्तानपुर पूरब गांव निवासी अमन कुमार, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह, सहरसा के कुंदन कुमार, भोजपुर के चंदन कुमार का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, झारखंड के साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे।
अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति का संभाला पदभार। आगामी 6 जुलाई को विधान परिषद का चुनाव करवाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इसी बीच बिहार विधान परिषद के सभापति मोहम्मद हारून रशीद का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह ने पदभार संभाल लिया है। अवधेश नारायण सिंह ने बीते दिन ये कार्यभार संभाल लिया है, जिस दौरान पूर्व कार्यवाहक सभापति हारून रशीद भी सभापति की कुर्सी पर बैठाए हैं। वहीं 6 जुलाई को विधान परिषद चुनाव का आयोजन करवाया गया था, जहां पर विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिस पर चुनाव के बाद उन सभी पदों को भरने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर जिले में जाकर कार्यक्रम का संबोधन करने के फैसले पर राजनीति हुई शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सभी विपक्षी दलों के मुंह पर ताला लगाते हुए साफ कहा था कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं बल्कि जिलों में जाकर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें वह खुद भी शारीरिक तौर पर शिरकत करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास से निकलने का फैसला किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घर से निकलने की नसीहत दे रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे सुनील कुमार समेत 5 सैनिकों के शरीर को दी गई श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा सुनील कुमार समेत 5 सैनिकों का शरीर दी गई श्रद्धांजलि। बीते दिन भारत और चीन के बीच हुए वाकया के बाद भारत के रहने वाले सुनील कुमार की जान चली गई थी, जिसके बाद बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, शरीर के पहुंचने के बाद सेना ने भी जवानों की मौजूदगी में श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद फिर सुनील कुमार को दानापुर के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें, सुनील कुमार बिहार रेजिमेंट सेंटर के हवलदार थे और गलवान में तैनात थे। सुनील कुमार के अलावा भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार, वैशाली के सिपाही जयकिशोर सिंह का शरीर भी बीते दिन पटना पहुंचा दिया गया है। पुलिस विभाग में 39 दरोगा, 30 ASI, 54 सिपाही, 1 चालक समेत 5 हवलदार का हुआ तबादला। पटना के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। खबरों की माने तो पटना के पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार 39 दरोगा, 33 ASI, 54 सिपाही, 1 चालक समेत 5 हवलदार का तबादला किया गया है। आपको बता दें, तबादलों की सूची में ऐसे पुलिस वालों का नाम शामिल किया गया है जो मेडिकल और अन्य आधार पर तबादला चाहते थे और उन्होंने तबादले के लिए आवेदन भर रखा था। इनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए मुख्यालय ने उन्हें जिला बल इकाई में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। सहरसा से जल्द ही बनाया जाएगा अत्याधुनिक वॉशिंग पिट। बिहार के सहरसा जिले में 12,36,00,000 से दूसरा अत्याधुनिक पिट बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने दूसरे वॉशिंग पिट निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, वहीं निर्माण के लिए राशि भी जारी कर दी गई है। खबरों की माने तो यह वॉशिंग पिट निर्माण के लिए समस्तीपुर मंडल ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है। भेजे गए प्रस्ताव में 26 कोच वाली पिट लाइन, स्टीयरिंग लाइन सहित अन्य जरूरी कार्यों का होना आवश्यक बताया गया है। वॉशिंग पिट बनने के बाद सभी ट्रेन की धुलाई सफाई समय पर होगी, वहीं मेंटेनेंस का काम भी समय समय पर किया जाएगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नहीं जाएंगे विधान परिषद। तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई विधान परिषद में इस बार नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इस खबर को पूरी तरीके से गलत बताया है, क्योंकि हाल ही में यह सुनने में आ रहा था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों में से कोई एक विधान परिषद में जा सकते हैं, मगर मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी वे लोग विधायक है, ऐसे में विधान परिषद में जाने की खबर पूरी तरीके से गलत है। पता नहीं लोग कैसे कैसे कयास लगा देते हैं, समझ में नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधान परिषद चुनाव में राजद की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, इसका निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी टीम ने लॉन्च की एक नई वेबसाइट। सुशांत सिंह राजपूत ने बीते रविवार को अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद अब उनकी टीम ने एक नया वेबसाइट बनाया है, जिसका नाम selfmusing.com रखा गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के विचार और उनके आइडियाज को शेयर किया जा रहा है। उनकी टीम ने बताया है कि यह वेबसाइट सुशांत सिंह राजपूत का सपना था। टीम ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमें जिंदा है, इसलिए हम उनके इस सपने को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कोविड-19 के माहौल को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के प्रयासों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कुछ शहरों में अधिक संख्या में लोगों के जमा होने से माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद को ज्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है, और फिर भी हर देशवासी को संयम के साथ प्रशासन की मदद करनी बेहद ही जरूरी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कोविड-19 टेस्टिंग पर भी जोर देने की बात कही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान जल्द से जल्द की जा सके, साथ ही इसके चेन को तोड़ने में भी कामयाबी मिले। डेब्यू से पहले विराट से जुड़ी कई बातों का वेंगसरकर ने किया खुलासा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली आज दुनिया के सबसे ज्यादा सफल क्रिकेटर में गिने जाते हैं। विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू 12 साल पहले यानी कि 2008 में
किया था। वहीं उनके डेब्यू से जुड़ी कई बातों का खुलासा करते हुए पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि विराट ने इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करके उनका दिल जीता था। उनके मुताबिक विराट शुरुआत से ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर हावी होकर खेलना पसंद करते थे और उनका यही एटीट्यूड दिल को बहुत ज्यादा भाग गया, जिसका खुलासा उन्होंने एक खेल वेबसाइट के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, अभिषेक कुमार, आयुष राज, पूजा कुमारी, चंदन सिंह, संतोष यादव, सुधीर सिंह, नीतीश कुमार, शुभम राज, रामनिवास कुमार, प्रवीण कुमार, मुकेश कुमार, निवश कुमार यादव, दिलीप कुमार, रंजन वर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मौजूदा हालात को देखते हुए आपके अनुसार चीनी प्रोडक्ट्स का पूरी तरीके से त्याग करना चाहिए या नहीं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।